कोका कोला मोटर बाइक। एक गांव में भट्टाचार्य नाम का एक व्यक्ति सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का काम करता था। उसकी पत्नी थी सुप्रिया, उनका बेटा था मनोज। मनोज स्कूल में पढ़ाई करता था। जब शाम को मनोज स्कूल से लौटता तो सुप्रिया एक बड़े ग्लास में लस्सी डालकर उसमें नींबू निचोड़कर उसे देती थी ताकि उसे लू ना लगे। लेकिन मनोज को कोको कोला बहुत पसंद था। उसकी इच्छा थी कि वो हर रोज कोको कोला पिए, इसीलिए वो हर रोज स्कूल के बाहर खड़े कोको कोला के ठेले को देखता रहता था बड़े चाव से। लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते थे। एक दिन उसकी माँ उसे लस्सी पिला रही थी कि मनोज, बस करो माँ, हर रोज लस्सी पी पी कर मैं तंग हो गया हूँ, मुझे कोक पीना है, कहकर जिद करने लगा। अच्छा बेटे, तुम्हें हर रोज कोक चाहिए? हाँ, तुम कोई महाराज के घर पैदा हुए हो क्या? चुपचाप ये लस्सी पियो। मैं नहीं पीऊंगा, कहकर ग्लास को उठाकर फेंका। अरे बेटे, पी लो, लस्सी पी लो, कहकर मिन्नतें करने लगी। नहीं, मैं नहीं पीऊंगा, बिल्कुल नहीं पीऊंगा, मुझे तो बस कोक चाहिए। तब सुप्रिया ने हार मानकर उसे पैसे दिए और, लो बेटे, आज कोक पी लेना, लेकिन सिर्फ आज ही। हर रोज तुम कोक की जिद करोगे तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगी। तुम्हारे पिताजी इतना नहीं कमाते कि तुम हर रोज कोक पियो, समझे? मनोज वो पैसे लेकर बाहर चला गया। मनोज का एक दोस्त था, उसका नाम था विश्वजीत। मनोज हर रोज की तरह अपने स्कूल के बाहर खड़े उस कोक के ठेले को ताड़ रहा था। अरे ये क्या यार, तुम्हें कोक की इतनी तलब क्यों है? पता नहीं यार, पर जब भी मैं कोक पीता हूँ लगता है मैं अमृत पी रहा हूँ। अरे यार, मेरे पिताजी इस गांव के कोका कोला गोदाम में इंचार्ज का काम करते हैं। वहीं से हर रोज वो गांव के बाहर के दुकानों में कोक सप्लाई करते हैं। चलो जाकर उनसे पूछते हैं कि दुकान से कम दाम में हर रोज तुम्हें कोक दे पाएंगे कि नहीं। तब मनोज खुश होकर, अच्छा सच, तो इतने दिन तूने मुझे बताया क्यों नहीं यार, चलो। दोनों जाकर गोदाम में विश्वजीत के पिताजी से मिले। विश्वजीत के पिताजी ने उसे देखकर, क्यों रे, ये तेरा दोस्त है क्या? हाँ पिताजी, ये मेरा दोस्त है, नाम है मनोज। इसकी इच्छा है कि वो हर रोज कोक पिए, मैं ही इसे यहाँ ले आया, सोचा कि यहाँ पर कम दाम में कोक मिलेगा। तब उसके पिताजी मुस्कुराते हुए, हर रोज कोक पीने की आदत हो जाए तो छूटता नहीं है, यहाँ पर कम दाम में नहीं बेच सकते, लेकिन तुम्हारी दोस्त की इच्छा को देखते हुए जी करता है कि उसकी मदद करूँ। क्या तुम्हारे दोस्त के पास साइकिल या स्कूटर है? मेरे पास मोटर बाइक है अंकल जी। अरे यार, तेरे पास बाइक कहाँ है? तब मनोज उसे इशारा करते हुए, चुप हो जा यार, तू कुछ मत कहना। तो ठीक है, तुम्हें हर रोज यहाँ आकर एक घंटे के लिए काम करना होगा। क्या काम है अंकल जी, जरा बताना, मैं करूँगा। बाइक के पीछे कोको कोला के चार केस को लगाकर तुम्हें जाकर दुकानों में सप्लाई करना होगा। ऐसा करने पर तुम्हें हर रोज मैं 100 रुपए दूंगा। तब मनोज जोश में आकर, ठीक है अंकल जी, पर एक शर्त है बेटा, तुम्हारे बाइक को कोको कोला के पोस्टर से सजा देंगे, ऐसा करने पर ही ये काम तुम्हें मिलेगा। मनोज ने तुरंत कह दिया, ठीक है अंकल जी। मनोज घर लौट रहा था कि उसने मंदिर के पास एक साधु को तपस्या करते हुए देखा। ये देखकर मनोज ने जाकर स्वामी जी को प्रणाम किया। स्वामी जी ने आंखें खोली। स्वामी जी, आज मैंने अपने दोस्त के पिताजी से झूठ कहा कि मेरे पास मोटर बाइक है। माँ ने कहा था कि झूठ बोलने से भगवान सजा देते हैं। जरा आप भगवान से कह दीजिए ना कि मुझे सजा ना दे। तब वो साधु मुस्कुराए और क्या हुआ बेटे, जरा विस्तार से कहना। तब मनोज ने स्वामी जी को जो कुछ हुआ सब बताया। बेटा, कोक का इतना मोह ठीक नहीं है। सच तो ये है कि किसी भी वस्तु पर इतना मोह नहीं होना चाहिए। ऊपर से कोक सेहत के लिए भी हानिकारक है। अगर तुम मुझसे वादा करो कि कुछ दिन पीने के बाद तुम कोक पीना छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूँ।
जरूर स्वामी जी, मैं आपकी बात को टाल नहीं सकता। तब स्वामी जी ने अपना हाथ हिलाया तो वहाँ एक कोक बाइक प्रकट हुआ। मनोज ने स्वामी जी को प्रणाम किया और बाइक लेकर चला गया। वो बाइक चलाते हुए जाने लगा तो सारा गांव उसे हैरान होकर देख रहा था। उसने घर जाकर अपने माँ बाप को सब कुछ बताया। उस दिन से मनोज बाइक पर कोक की डिलीवरी करने लगा। ये करने के लिए विश्वजीत के पिताजी उसे हर रोज 100 रुपए देने लगे। उन पैसों से कोक पीकर बाकी पैसे अपने माँ को देने लगा। एक दिन भट्टाचार्य, बेटे और कितने दिन तुम यूं कोक सप्लाई करते रहोगे? इसकी क्या जरूरत है बेटे, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। आप ही तो कहते थे ना पिताजी कि अमेरिका में बच्चे पढ़ाई के साथ साथ पेपर बांटना और छोटे मोटे काम करते हैं, और हिंदुस्तान में भी डिग्निटी ऑफ लेबर होना चाहिए और बच्चों को ऐसा करना चाहिए। आप भूल गए पिताजी, पैसे कमाने के लिए तकलीफ तो उठानी ही पड़ती है, साथ साथ वो खुशी भी देती है पिताजी। ए मैंने अभी जाना, जैसे मैंने स्वामी जी से वादा किया था मैं अब कोक पीना छोड़ दूंगा। ये सुनकर माँ बाप बहुत खुश हुए। मैजिकल फैन फ्लाइंग मैन। निरंजन दास कहकर एक आदमी उनका माँ के साथ एक गांव में जी रहा था। उनका एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान था, उसमें कई तरीके के फैंस और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेचता था, ऐसे ही मोटर्स को भी बेचता था और उनका रिपेयर भी करता था। मोटर्स को खरीदने वालों से और रिपेयर के लिए आए वालों से गर्मी के मौसम में वो शॉप बहुत बिजी रहता था। निरंजन दास को एक बहन थी कामेश्वरी, उनका पति का नाम था नारायणा। वे गौरीनाथ के पास एक गांव में रहते थे। एक दिन निरंजन दुकान के लिए जा रहा था तो बगल वाले घर में रहने वाली सुशीला उनके घर आई। निरंजन की माँ, क्यों रही सुशीला, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? तब सुशीला, आंटी अभी अभी कामेश्वरी ने मुझे कॉल किया था, निरंजन के फोन पर ट्राई कर रही थी तो वो कनेक्ट नहीं हो रहा है बोल रही थी। कामेश्वरी अपने पति के साथ पहाड़ पे चढ़ रहे थे तो वहाँ कुछ हादसा हुआ कह रही थी। उनके पति होश में नहीं है अब। इनके साथ एक और डॉक्टर भी थे जिन्होंने जांच करके कहा कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है और तुरंत उन्हें अस्पताल में भर्ती करने के लिए कह दिया। हे भगवान क्या ये सच है? तो क्या अस्पताल लेके गए उन्हें? कहाँ आंटी, पहाड़ के आसपास में कोई भी अस्पताल नहीं है कह रहे हैं, और दोपहर से पहले उन्हें कम से कम ऑक्सीजन चढ़ाने की जरूरत है वरना उनका बचना बड़ा मुश्किल है कहकर डॉक्टर ने कह दिया। हे भगवान अब क्या होगा, कैसे होगा कहकर रोने लगी। तब निरंजन, तुम ठहरो माँ, ऐसे चिल्ला कर रोने से काम नहीं होता है, तुम घबराओ मत, मैं देखता हूँ कहकर उनका दीदी को फोन करके बात किया और तुरंत उधर आ रहा हूँ कहा। तब वो उधर से निकला। रास्ते में एक मेडिकल शॉप के पास रुककर ऑक्सीजन सिलेंडर को खरीदा और उधर से जाते जाते रास्ते में और एक घर के पास रुककर सुभाष सुभाष कहकर पुकारा। तब एक आदमी बाहर आकर, अरे वाह कितने दिन हुए हैं यार तुम्हें मिलकर, बोलो क्या बात है कहकर पूछा। सुभाष तुम मुझे एक मदद करना है। बोलो यार इतना क्यों पूछते हो, क्या करना है बताओ कहा। तुम फ्लाइंग क्लब में एक मैकेनिक हो ना, तुम मुझे हवा में उड़े जैसा करना है कहा। तुम्हें उड़ना है ऐसा करना है, क्यों रे जरा अच्छे से समझाओ। तब निरंजन उसे जो हुआ सब कुछ बताया। ओ ऐसा है क्या, समझ में आया, चलो तुम्हारे शॉप में से एक मोटर मुझे चाहिए, ऐसे ही एक सीलिंग फैन भी चाहिए, चलो जाते हैं कहा। ऐसे निरंजन एक शेड में उस मोटर को सीलिंग फैन के पंखे फिट किया, बाद में उसमें डीजल डाला, बाद में एक जर्किन निरंजन को देकर पहनने के लिए कहा और निरंजन के सर पर हेलमेट रखा। उधर उस ऑक्सीजन सिलेंडर को निरंजन के पीठ पर लटकाया और उस मोटर फैन को निरंजन सर पर फिट किया। शॉप के बाहर आकर मोटर को स्टार्ट करने के लिए कहा। निरंजन ऐसे ही उस मोटर को स्टार्ट किया, तुरंत हवा में उड़कर निरंजन आसमान में उड़ते हुए जा रहा था। नीचे से लोग उनको हैरान होकर देखने लगे।
निरंजन ऐसे ही हवा में उड़ते हुए गौरीनाथ के पहाड़ के रास्ते में इधर उधर ढूंढने लगा। एक जगह पर एक बेंच पर उनका दीदी और जीजा जी और उनके बगल में एक डॉक्टर दिखाई दिए। निरंजन धीरे से उनके पास उतरा। तब कामेश्वरी, भैया देखो तुम्हारे जीजा जी कैसे बेहोश पड़े हैं। निरंजन तुरंत उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर को निकालकर डॉक्टर को दिया। डॉक्टर उस सिलेंडर को जीजाजी का नाक को लगाया। तब तक सांस लेने में मुश्किल हो रहा उनको ऑक्सीजन मिलने के वजह से अच्छे से सांस लेना शुरू किया। तब डॉक्टर, आप तो सही समय पर आए हैं, और कुछ देरी हो गई होगी तो इनका जान को बहुत खतरा हो सकता था। अब वे खतरे से बाहर आ गए हैं, ही सेफ नाउ। तब दीदी बहुत खुश हो गई। तब निरंजन, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आप है इसलिए जीजाजी खतरे से बाहर निकल गए। आपका ये एहसान हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं, कहकर उनको पैसे देने के लिए देखा। तब डॉक्टर, नो, मैं हॉस्पिटल में डॉक्टर हूँ लेकिन बाहर नहीं। मेरे साथी यात्रियों का सहायता करना मेरा धर्म है। निरंजन उनको थैंक्स कहा। तब कामेश्वरी, अब हम इन्हें घर कैसे पहुँचाएंगे रे। तब डॉक्टर, अब से पहले बड़े लोगों को उठाकर कुछ डोलियां ऊपर गए थे, वे कुछ देर में वापस आएंगे। तब एक डोली से बात करके नीचे तक जाकर उधर टैक्सी स्टैंड में टैक्सी बनाकर ज्यादा हिले बिना पेशेंट को घर लेके जाइए। कल तक ठीक होकर अच्छे से बैठ जाएंगे आपका जीजाजी। तब कामेश्वरी और निरंजन उनको धन्यवाद बोले। मुझे नहीं, वो गौरीनाथ खुद आपको बचाया, उनको बताइए आपका धन्यवाद। कहकर हंसते हुए उधर से चला गया।